निकली कि नहीं? निकलेगा निकली। ये देखो पापा का कॉन्फिडेंट, एक पापा लेकर आए हैं यहाँ पर एक बेटी को अपने सपने पूरे कराने के लिए। ये देखो गाइस, हाय राम, उड़ गया। गरीबी से रिश्ता करीब मिस्टर नेपाली थोड़ा तो टैटू बसाई दिन्छु तिम्रो घाटी मा लो खाली सुन्नर कुर्ती काली काली नंबर आपन दे दे हमें खाली इंस्टाग्राम वाली देखें फोटो तो धारी चो मेरो साथी को छाती मा मर्द को दोस्त दारी चो जारी चो हरे बाप रे बुलडॉग देखो गुस्सा हो रहा है। मत गुस्सा हो, हाँ देख क्या काट लेगा भाई। ओए चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नेपाल के विनोद चौधरी ने बनाया है जो रिच फैमिली है। ये हसी वादिया और ये चाय। बोलो हाय हाय, मोहब्बत देते रहना यार, मुझे पता है पक्का कि मैं टीवी पे जाऊंगा, मुझे दिख गया है ऑलरेडी फ्यूचर। एवरीबॉडी वी आर इन सिंगापुर, लेट्स बूम बैंगर्स एजन द बेस्ट कसदन। हेलो फैमिली, राधा कृष्णा, कैसे हो सभी? दिस इज योर डिसेंट बॉय द वेंस एंड आप टीके पटन देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल द वेंस का शोधन स्ट्रेट फ्रॉम चितवन, चाय फ्रॉम चितवन, चीयर्स। सो अभी मॉर्निंग का बज रहा है 8, मैं उठ गया था 6 बजे की तरफ, लेकिन ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मेरे लाइफ के बहुत बड़ा डे है, लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ ऑडिशन देने, लाइव रियलिटी शो। मतलब नेपाल में ये रियलिटी शो पहली बार हो रहा है, नेपाल रैप बैटल नेपाल, सो उसी का ऑडिशन देने जा रहा हूँ। मैं एकदम कन्फर्म होकर सिलेक्टेड हो जाऊँगा, एकदम 100% आपकी दुआएं और मोहब्बत से, प्यार से और मेरे मेहनत से, पापा लोग के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से मैं एकदम कन्फर्म में सिलेक्टेड हो जाऊँगा। तो चलते हैं, अभी मैं उठाऊँ भाई, देखो सीधा बेड से ही पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बाकी चाय आ गया, चाय पीते हैं इसको, उसके बाद थोड़ा वोकल प्रैक्टिस करेंगे। 8 बज रहा है, 10 बजे समय में हम लोग को यहाँ पर चितवन गार्डन रिजॉर्ट पहुँचना है, भरतपुर कटहार चौक में जाना है। सो देखो सारा कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तैयार हो जाएंगे, वहाँ पर पहनने के लिए दूसरा कपड़ा लेकर आया हूँ। आते वक्त तो आप लोग कैसे ये देखे हो ना कि कितना धूल धड़पड़ हो गया है, वो वाला ब्लॉग नहीं देखो तो जाके देखो हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बूम बैंगर्स। ऑलरेडी के बटन सब कुछ हो गया भाई, अब हम लोग चेकआउट करें अपने रूम से। बाबा रूम बहुत प्यारा रूम था, अब निकलते हैं यार। रैप बैटल से भी कॉल आ चुका है, बोले आ जाओ, अभी सुबह का 9 बज रहा है, 10 बजे शायद हम लोग का परफॉर्मेंस होगा। सब कुछ एकदम ध्यान से रख लिया हूँ, देखो मैंने डिसेंट बॉय वाला लगाया और अपना यूनिक वाला गॉगल लगाया, जाके सिलेक्टेड होके आएंगे भाई एकदम टहलका मचा के। उसके बाद चलते हैं भाई घर, सबकी याद आ रही है, बहुत लोगों का कॉल आया, बेस्ट ऑफ लक बोले हैं, मज़ा आ गया यार, अब जाके टहलका मचा के आते हैं। आप लोग देखते रहो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। सब कुछ कर दिया जाए, डन, पेमेंट हो गया, एंड देन लेट्स गो टू द चितवन गार्डन रिजॉर्ट। ओके ऑलराइट, यही था होटल, देख लो आप लोग, आना तो रहना यहीं पर अगर रहेगा पॉसिबली तो। यहाँ पर हम लोगों का बाइक है और ये देखो जय सूरज दादा, ये पूरा नारायण घाट, यहाँ से कुछ किलोमीटर है आगे चलते हैं हम लोग, पूछ पूछ के चलते हैं भाई, इंटरनेट है ही नहीं हमारे फ़ोन में वरना देख के जाते हैं। बाकी चलते हैं यार जल्दी जल्दी, उसके बाद तहलका मचाते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो बेबी। अभी एक अंदर से हम लोग लोकेशन पूछे हैं, कटहार चौक गार्डन रिजॉर्ट, चितवन गार्डन रिजॉर्ट, तो भरतपुर गार्डन रिजॉर्ट, भरतपुर नहीं चितवन गार्डन रिजॉर्ट, वहीं पर जाना है हम लोगों को, बहुत एक्साइटेड हूँ, शायद पास में ही होगा, इंटरनेट नहीं है। बॉयज़ ये चेक करो, यहाँ का एयरपोर्ट शायद ये नेशनल है कि इंटरनेशनल है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। इसी के जस्ट पीछे लोकेशन हम लोग को पता नहीं है, खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अंकल चितवन गार्डन रिजॉर्ट कहाँ सर? एयरपोर्ट को पछाड़ी छैन, ये यहाँ देखी, ये तो देखी लो, ठीक है, थैंक यू। तो कटहार चौक कुनो अंकल, कटहार चौक दाजू, चितवन गार्डन रिजॉर्ट कहाँ सर? एक्सक्यूज मी दीदी, तो चितवन गार्डन रिजॉर्ट कहाँ सर? तो अगाड़ी गेट पर मीन्स
अगाडि गेट त हेडमा छिरेर अनि यस्तो गयो भयो पछाडि गेट चाहिँ उत्यो उत्यो टिनी टिन के सटर छ नि हजुर त्यहाँबाट छिनी हो त्यहाँबाट नि छ पाँच सेक्युरिटी गार्डहरू बस्छ क्या त्यहाँ ए ल ठिक छ त्यहाँ त्यहाँबाट छिरे भइहाल्छ है ल ठिक छ थ्याङ्क यू चितवन गार्डन रिजॉर्ट फाइनली बॉयज पहुँच चुके हैं यार खोजते आ ही गए हाय राम ओ माय गॉड रैप बैटल ऑडिशन चितवन गार्डन रिजॉर्ट फाइनली अरे आपने हमें लो ठीक सर फाइनली रीच चलो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं बाइक पार्क करते हैं एंड देन आफ्टर फाइनली बाइक पार्क कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं चितवन गार्डन रिजॉर्ट चलते हैं अंदर देखते हैं रैप बैटल इसी का फॉर्म भरा है अब चलो फाइनली लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन हल्का मचाते हैं चलो चितवन हिलाते हैं अपन कपिल वस्तु से आके आगे वहाँ पर एयरपोर्ट है जस्ट उसी के पीछे है यहाँ पर चलो अंदर दिखाते हैं क्या क्या है खुद देखते हैं बहुत बड़ा रिजॉर्ट है ऑल एडवाइस यही अंदर देखो चितवन गार्डन रिजॉर्ट वहाँ पर फॉर्म वगैरह मिल रहा है तो ऑफलाइन फॉर्म ले लूँ ऑनलाइन भरा था मैं ऑल एडवाइस अभी हम लोग हैं रैप बैटल के यहाँ पर मतलब अंदर फॉर्म भरा रहा है फिलहाल फॉर्म ऑफलाइन मिल चुका है एंड एक रैपर मुझे ऑलरेडी पहचानते थे बोल रहे हैं कपिल वस्तु देखिए हजर रही नहीं फेसबुक में चाहें तो मेरे वीडियो रहते मतलब फेसबुक पर मेरा वीडियो देखा था फिलहाल पूछते हैं यहाँ पर बनाने को मिलेगा कि नहीं ब्लॉग मतलब पापा साइड में बैठे हैं यहाँ पर फॉर्म भी मिल गया बट फॉर्म दिखा नहीं सकते रैप बैटल का जो ऑनलाइन फॉर्म कुछ दिन पहले भरा था उसको ऑफलाइन मिल गया बाकी देखते हैं थोड़ा घुमाते हैं आप लोगों को आओ बॉयज इसके आगे जस्ट एयरपोर्ट है एयरप्लेन आ रहा है नेशनल वाला अभी जब आएगा तो दिखाऊंगा बाकी मैं फिर नर्वस कर रहा हूँ हल्का फुल्का लिटिल नर्वस हो रहा है अंदर शायद ब्लॉग नहीं बनाने को मिलेगा तो इसलिए मैं बाहर आया हूँ थोड़ा बताने के लिए बाकी फोटो सेशन हो गया इतना नंबर मेरा पड़ा है दिखाते हैं मज़ा आ रहा है भाई पहली बार लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन है अभी यहाँ से जस्ट प्लेन गया है यार आवाज़ आ रहा था बहुत तगड़ा वाला वो देखो वहाँ उसका दूर खड़ा है भाई पहल का मज़ा आ रहा है एकदम धूम वाला जाके फाड़ के आएंगे 100-150 लोग यहाँ पर शायद ऑडियंस आएंगे मतलब ऑडिशन देने चितवन में मज़ा आएगा भाई ये सब सपना था ये देखो ऑडिशन दे रहा बाप रे भाई शाहपुर है कपिल वस्तु से सिंगल बच्चा आया है सिंगल लौंडा आया भाई रिप्रेजेंट करने ये कपिल वस्तु से मैं अकेले आया हूँ भाई बहुत सारे यहाँ पर पूछ रहे कपिल वस्तु सब जान रहे हैं भाई बहुत लोग ये देखो रैप बैटल ये ऑडिशन बॉय द ब्यास पहल का बताया भाई सेलेक्ट तो पक्का होगा 150 में यूनिक में ही हूँ मैं अरबों में एक हूँ भाई चलते नाश्ता करने के लिए थोड़ा बहुत सिक्योरिटी अंकल थोड़ा मतलब हेल्प कर दिए बैग रखने में यहीं आसपास में रहने के लिए गए हैं चलते हैं थोड़ा नाश्ता करके आते हैं कुछ खाया नहीं ओके एंड देन आफ्टर आके हम लोग देंगे ऑडिशन अपना भाई अभी हम लोग निकले हैं नाश्ता करने के लिए यहाँ पर होटल ही बंद है क्या गर्व से कहो भाई कपिल वस्तु से मैं सिर्फ अकेले आया हूँ और कोई नहीं आया पूरे कपिल वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कपिल वस्तु वाले देख रहे हो ना भर भर के प्यार देना अपने भाई को ठीक है वोटिंग से जैसे जैसे जिससे हो पाएगा सबसे देना ठीक है 150 मेंबर में मैं करूँगा परफॉर्म थोड़ा तो लिटिल हो रहा है अंदर से लेकिन कॉन्फिडेंस से मैं अपना सब कुछ कर दूंगा यार जैसे एकदम स्टेज पे तोड़ दिया था जैसे मैं माइक पे तोड़ता हूँ वैसे यहाँ पर भी तोड़ूंगा होटल खोजते यहाँ पर एक मिल गया न्यू लामी छानी खाजा घर चलो यहाँ पर कुछ लिटिल खाते हैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा यार पेट भर जाएगा एकदम तो थोड़ा आलस आएगा इसलिए लिटिल कुछ खाते हैं हल्का फुल्का तो जरूरी है एनर्जी चाहनी मतलब एनर्जी के लिए ऑल आई डी के बटन अपना आ चुका है लाइट नाश्ता लाइट ब्रेकफास्ट इसको करते हैं एंड देन आफ्टर चलते हैं यार फटाक से शायद कॉल भी आ रहा उठा रहा हूँ कॉल आ रहा है आई थिंक उठा लूँ इसको खा के फिर चलते हैं ऑल राइट बॉयज नाश्ता वास्ता करके आ चुके हैं एकदम पेट भर गया टेस्टी था यार यहाँ का एकदम चलो पापा से पूछते हैं कि हम लोगों का निकलेगा कि नहीं पापा निकले कि नहीं निकलेगा ये देखो पापा का कॉन्फिडेंट एक पापा लेकर आए हैं यहाँ पर एक बेटी को अपने सपने पूरे कराने के लिए ओ माय गॉड ये देखो बॉयज ये देखो गाइस हाय राम उड़ गया यू कांट बिलीव ना मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले भगवान से प्रे किया था कि ऐसे मुझे देखने को मिले उड़ते हुए ये देखो जस्ट उड़ गया बाप रे अब देखना पहल का मच जाएगा कसम से मैंने अभी 2 मिनट पहले भगवान से यही प्रे किया था कि ऐसे उड़ते हुए देखने को मिले अब देखना झंडे गाड़ूंगा सब होगा नर्वस नहीं हूँ मैं चलते हैं अब अंदर उसके बाद डन करते हैं सो बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पर देख सकते हैं हम आ रहे हैं पूरे नेपाल के रैपर बैठे हेलो हाय कर दिनेस तो हजुर कहाँ बैठे हो बॉयज सुन के म बोतल देखे डायरेक्ट अब आइ सके म यहाँ मलाई नदे धम्की ए ला 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 यो हाडै पारा जोंगी कहाँ बैठे हो सो बॉय एमएलपी अनि म चाहिँ सिधै नेपालगंज खजुरा देखि ल नेपालगंज खजुर हजुर गडाको 10 गेड़ा कोच यू नो द फकेट इज इट्स द बॉय टुनाइट सीधे बॉर्ड दिया बड लिसन बॉय द वैंस स्ट्रेट फ्रॉम कपिल वस्तु या पार है अलि अलि चाहिँ हामी हेलो गाइस
प्रतिस्पर्धाहरू आउने होला लगाएर नकाप मनमा छ धेरै सवाल तर एउटै जवाब प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेहरूलाई बनाउँछु तन्दुरी कबाब जसलाई नै जसमा गाह्रो हुन्छ दिन्छु दबाब म मान्छे खराब मसँग खान्छु मदिरा र धुम्रपान सर्वश्रेष्ठ छ ज्ञान वान्टेडमा भए पनि आउँछ पत्रिकामा नाम मेरो कुरालाई मानमुजी रन्डीको मेरो ऱ्यापको पहिलो बिहान कला त शक्तिशाली कहिले जान्न खालि मुझे सपोर्ट करते अंकल आंटी भी मेरे ब्लॉग देखते घर पे बैठ के और क्लास में फ्रेंड खुद को मेरा फैन कहते हैं पहले तो अकेला आचार पांच बंदे साथ रहते हैं यहाँ के यूट्यूबर से साथ एक घमंडी गद्दार उसको चाहिए सुपरमेसिव फैम का भूखा है वो सर थोड़ा चर्चा क्या हो गया खुद को मान लिया स्टार साथ देता था मैं उसका अमन देता उसको बार बाकी प्यार बांटने में डिसन बॉय कभी नहीं करता असली टैलेंट को असलियत पे सपोर्ट में करता दिखाता रियलिटी दुनिया को मैं ना किसी से डरता प्रेयर करता सब वो सक्सेस होता था भला सबका लड़की बड़की से मैं रहता दूर मानता हूँ मैं सबको बैन देखे मेरी डांसर रानी जो है मेरी परमानेंट चार पाँच प्रपोजल आया है फ्रॉम द फैन गर्ल पर गद्दारी ने चाहिए मैन आई डोंट नीड एनी गर्ल इसलिए मैं डिसन बॉय ने लिया आईफोन वीडियो ना सब ड्रॉप करा जब बिगड़ा था आईफोन हर चीजें कर दूंगा मैं फिक्स नहीं मेरा दोन बहुत बड़ी बातें बड़ी आई टॉक लाइक साइक्लोन Listen boy, the fans straight from Kapil Vastu, Nepal ka londa, yeah, Nepal ka londa, main hoon Nepal ka londa, yeah, roz sida sada londa, yeah, main hoon Nepal ka londa. गरीबी से रिश्ता करीबी है मेरा दो वक्त की रोटी कुछ नसीबी है मेरा आँख मूंद ले रहा कर्मा जो दे रहा अंधा में बंदा या खुदा है मेरा बैरा चीख चीख गहरा घाव मेरा गहरा जिदलता सफलता की कब से मैं सहरा ठहरा मैं तब से 12 साल का था जब से सबसे अलग था मैं सोचता जख्मों को नोचता खड़ोसता मैं बढ़ गया अकड़ गया मैं अपनों से लड़ गया मैं सपनों के बीच में जो आ रहे थे साले अपना बन के मुझको फुसला रहे थे सुर्खियाँ फैला रहे की हाँ नेपाल का लौंडा बर्बादी के धंधे पे बसते की जगह की तारीख के कंधे पे लौंडियों की तरह है बालिश के लंबे से गंदे थे सारे इसके साथ में जो बंदे थे फंडे से अकेला तो कुछ दिन रुकेगा तू शब्दों से खेला तो कुछ नहीं दिखेगा छुपेगा तू जाके महबूबा के आंचल में हुआ क्या कुछ भी बता नहीं सकेगा तो बंदे को गंदे का नाम तू दे रहा सिर्फ बंदे नहीं वो मेरे भाई है वह इंसान को गाली सर याम तू दे रहा मामूली लौंडे तब आई है वह आफै मेहनत गरी मान्छु ठुलो मान्छे म त बिना पढी लेखी सेकी गरी राजन या त बसी गरी चोरी सबै आज ब्रो यु डोन्ट नीड टु वरी नेपालीमा छोरो हो सेकी न म फोरो बिर्सि दियो या पारा हिन्दी मत बब्बाल दिनु ल यहाँ हाम्रो केही ऱ्यापर्सहरू जोडे छन् हजुरहरू कहाँबाट हो र हेलो हेलो दाजुहरू कहाँबाट हो अलिअलि भनिदिनुहोस् है लोखो ल है हामी यहाँ चाहिँ ऱ्यापरहरूको ग्याङहरू बढिरहेछन् अलिअलि चाहिँ चिल हान्दै हो फेरि त्यसपछि हुन्छ है अडिसनहरू त्यसके बाद अडिसन देते हाम्रो एउटा नेपाली पनि बोल्दैन हार्ड है हार्ड स्टाइल गएको रहेछ मिले छैन मेरो धुन त्यही पनि हानिदिन्छु कान टाढो पारिसु यस्तै नै पारा के गरी मैले खाला जिन्दगीमा भोलि मेरो के हुने वाला आमा बाउले भने जस्तो हुन सकिनँ चरी उडे जस्तो आकाश मैले छुन सकिनँ अस्तले सबसँग नाच्छु या मिस्टर नेपाली टपमा आउने मेरै यो पाली मिस्टर नेपाली मिस्टर नेपाली अरू कोही उठाउ नि नेपाली गीत दामी छ झुकेर नि नआइजी यो सीमा भित्र पनि ड्रिप डेटिङ शिलासित मेरो केडाहरू रेडी तेरो किला छिर्न पारो तिमी जस्तो तिनटा हान्छु स्वाइक मेरो पारा निवारी पारा हाम्रो छातीमा छ रातो ट्याटो बसाइदिन्छु तिम्रो घाँटीमा ल निवारी अहिले मै चाहिँ काखीमा छ उनी लट्ठे पर्छे मैले हाँसे मात्र निवारी पारा हाम्रो छातीमा छ रातो ट्याटो बसाइदिन्छु तिम्रो घाँटीमा ल गर्नु भन्दा चाहिँ हुन्छ किन्न तर हार नमान सधैँ अघि त बढ सँग भएको कला कसैले सक्दैन छिन्न अरू हिँड्न नसक्नु बहिनी ड्रेल सेट भविष्य निर्माण
खोज्न सक्दिन बाहिर हाँसो मनमा पीडा छ बुझ्न सक्दिन कालो रात इंस्टाग्राम वाली अठवा में लगा के चलाली सुनर कुर्ती काली काली नंबर अपन दे दे हमें हाली है इंस्टाग्राम वाली अठवा में लगा के चलाली लाली दिखली सुनर कुर्ती काली काली नंबर अपन दे दे हमें हाली है इंस्टाग्राम वाली देखें फोटो तोर लाइक है लिसन गर्ल जस्ट टेल मी व्हाट इज योर मिशन गर्ल प्रिंसिपल इन योर लव वाले स्कूल टेक एडमिशन गर्ल लंदन घुमा दू नोट दिख रही है हार्ट दिख रही है एयरपोर्ट दिख रही है एयरपोर्ट दिख रही है लंदन घुमा दू लंदन घुमा दू ये नोट दिख रही है नोट दिख रही है बॉय कौन कौन रैपर सब लाइक या लिल सूट केक में जाए तोरियो लेके हमें चाहिए तेल पीस देनी है आज यो 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 ओइ साला गदरिया पारा तेरो साइको तेरो कुरा काँच त आफू बन्न टाइको चिक्ने बौला चिक्ने लौडा काम काज केही छैन जिस्काउँदै हिँड्छु केटी म आजकलको केटी एकदमै ठिक छ मजाले दिन्छ पैसामै बिच्छ पैसामै बिच्छ कत्रो ठुलो चाक तिम्रो बोसोको काम हाम्रो मोजुको रोजुको चलचित्र मेरो घरभित्र मित्र तपाईँलाई नि स्वागत छ क्युटी नारी छ वेट उसको भारी छ मेरो साथीको छातीमा मर्दको जस्तो दारी छ जारी छ सम्बन्ध यो केटीको घमण्ड छ्याथुक्क यस्तो केटीलाई साथमा राखेको भन्दा नराखेको केटीहरूले कहिले बोल्नु सक्दैन टोइ म त धेरै नै बिग्रेछु है म ब्याड बोय ब्याड बोय ब्याड बोय अलर्ट अलर्ट बोल जेंगो सो कैसे लग रहा है आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं पूरा रैपर लोगों का वाइब दिखा रहा हूं सारे रैपर पूरे नेपाल से मिल रहे हैं चितवन पूरे नेपाल देखिए आए रहसन क्या पूरे नेपाल से आ रहे हैं देखते जाओ ठीक है हिंदी बोलना आता है थोड़ा थोड़ा आता है थोड़ा थोड़ा चुरट नहीं एकदम डिसेंट बॉय इसलिए तो मेरा नाम स्टेज नेम डिसेंट बॉय अभी दोपहर का बज रहा है 12 और हम लोग फिलहाल वेट कर रहे हैं थोड़ा जज वज खाना खा रहे हैं उसके बाद आएंगे दिन स्टार्ट होगा 10 बजे बोले थे हमें 12 बज गया जज लोग खाना खा रहे हैं उसके बाद स्टार्ट होगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 3 बजे समय में सब डन हो जाएगा पूरे नेपाल से रैपर आ रहे हैं भाई बारा भाई लाइफको चाहिँ फर्स्ट अडिसन म दिइरहेको छु यहाँ चितवनमा आइपुगेँ चाहिँ म हिजो एकदम मजा आइरहेछ कि आउन चाहिँ यहाँ एकदमै गाह्रो भयो बाबासँग आए तर चाहिँ आएपछि फेरि यहाँ लगाइरहेछ कि सबै चाहिँ हसल जति गरेँ यहाँसम्म पुग्नको लागि त्यति सब पे अप भइरहेछ एकदम मजा आइरहेछ कि यहाँहरू ऱ्यापरहरू पनि भेट भइरहेछ भनेको चाहिँ पुरै नेपालबाट आएछन् ऱ्यापरहरू भाइहरू चाहिँ हामी सबै मिलिरहेछौँ यहाँदेखि खै कुनै खै खै कतिजना सेलेक्ट हुन्छ अनि कतिजना सेलेक्ट हुँदैन तर चाहिँ हामी यहाँ भेटघाट गरेर चाहिँ धेरै कुरा सिक्न पाइरहेछौँ अरू के भनेको मजा आइरहेछ कि एकदमै आई कान्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स भनेको एकदम बोले तो लल्लन टप के बॉयज डीके पल्टन आप लोग देखियो ना अभी जस्ट मेरा इंटरव्यू हुआ है वहाँ देखो अभी इंटरव्यू चल रहा है कंटिन्यू तो 5 लोग रैपर सेलेक्टेड हुए थे मतलब देने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं कपिल वस्तु से इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा है कि इतना दूर से मतलब आए हैं करने के लिए ये देखो यहाँ का चितवन गार्डन रिजॉर्ट का यहाँ पर रेस्टोरेंट है फिलहाल पानी लेके पी रहे हैं बहुत ज़्यादा हसल हो रहा है यार जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं कर रहे हैं कि मतलब करके हम लोग जाएँ मज़ा आ रहा है यार बहुत 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 मज़ा भाई सपने सच हो रहे हैं और देखते जाओ अभी टहलका मचाएँगे मज़ा आ रहे हैं ऑलरेडी सारे यहाँ पर रैपर बोल रहे थे कि मतलब तुम ऑलरेडी वायरल हो गया डन तुम्हारा बाकी अभी बात करते हैं ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है So now, अभी सारे रैपर वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए ऑडिशन देने के लिए और हम भी वेट कर रहे हैं हमारा 12 नंबर है सो वेट कर रहे हैं और सामने से ये प्लेन का व्यू बहुत कातिल लग रहा था 3, 2, 1, rolling. Everybody, we are in Chennai!
ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा यार सब कुछ हो चुका है, मतलब ऑडिशन भी दे दिया हूँ और जज अंदर बोले तो भाई एकदम बढ़िया गया है, बस बोले थोड़ा नेपाली में भी करो और बहुत सारी चीज़ें कही, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कैसा दिया है, बाकी उन्हीं लोग को पता रहेगा क्या है क्या नहीं है। और बाकी मुझे वापस 500 रुपया मिला है क्योंकि मैंने फॉर्म भरते वक्त डबल पेमेंट कर दिया था, सो रिटर्न हो गया है। बाकी अभी चितवन गार्डन रिजॉर्ट के बाय बाय करते हैं और सारे नेपाल के रैपरों से मिलकर मतलब मज़ा आ गया, सबका नंबर लिए हम लोग, कॉन्टैक्ट एक ही जरिए में हम लोग बन जाएंगे और क्या, दोस्ती बड़ी और क्या, बहुत सारी चीज़ें हुआ है। बाकी अभी रिटर्न चलते हैं यार, घर जाना है, बहुत दूर जाना है, बैग वगैरह आ चुका है, एकदम मज़ा आ गया भाई लाइफ में पहली बार ऐसा सब किया हूँ। तो एयरपोर्ट का लुक जो दे रहा है भाई खतरनाक, यहाँ से एरोप्लेन उड़ रही हैं। चलते हैं यार, भूख लगा है अभी, रास्ते में खाना खाएंगे जा रहे हैं, फिर से धूल धूल हो जाएंगे इसलिए पैक पुक करके यहाँ से निकलेंगे, सो चलते हैं और क्या। ऑलराइट बॉयज, अपन रुके हैं यहीं पर चितवन में ही, ये देखो विजय चौक पे रुके हैं, खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद रेस्ट करते हैं, देना बाइक वहीं पर खड़ा है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कपिल वस्तु जाएंगे भाई। वेजिटेरियन सादा खाने को लगे, सादा खाना 250। केडी के बल्टन अपना खाना आ चुका है, ये देखो टेस्टी टेस्टी लग रहा है, बहुत जल्दी खाना आ गया, यहाँ पर होटल में रुके हैं जिस होटल में, सादा थाली है, पेट भर के खाना खाते हैं भाई, उसके बाद सीधा हम लोग कपड़े बस्ते जाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ रुकेंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी वही रास्ता क्या बार बार दिखाऊंगा। सो मजा आ गया भाई, खाना खाते हैं, फ़ोन में चार्ज लगा दूँ आईफोन, उसके बाद देखो कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि जाते वक्त धूल धूल हो जाएंगे ना, इसलिए चेंज कर लिए, खाते हैं चलते हैं। अच्छा ये देखो बॉयज, यहाँ पर दो बुलडॉग हैं, हेलो, अरे बाप रे बुलडॉग, देखो गुस्सा हो रहा है, मत गुस्सा हो, हाथ दे क्या काट लेगा भाई, ओए ओए काटेगा बाप रे अगर छूट गया तो, बुलडॉग देख रहा है मुझे, घूर रहा है, खाना वाना खा चुके और आप लोगों को पैरट दिखाता हूँ, ये देखो लुक एट दिस, हेलो काट सर, हेलो ये देखो पैरट, ए के बोल सो, रे सारे रे सब भाई काटी आता फिर काट देगा। तो वापस हम लोग यहाँ पर चलते हैं, खाना वाना हो गया, बहुत टेस्टी था एंड ठीक है, रिटर्न चलते हैं कपिल वस्तु में, कल आएगा रिजल्ट, कल आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, हम लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, उसका कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, बस सपोर्ट देते रहो, प्यार मोहब्बत देते रहो और भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है चलते हैं कपिल वस्तु के लिए, रिजल्ट तो अपन पैक हो चुके अब निकलते हैं घर के लिए, एक्साइटेड घर पहुँच के खुश खबरें देने के लिए और अपने कपिल वस्तु का देखने के लिए, तो अभी मैं बंद करता हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा देखूंगा, ठीक है लेट्स गो। ऑलराइट बॉयज, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो सीजी टेम्पल यहाँ पर है, चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का, पर टाइम उतना नहीं है घर पहुंचना, इसलिए हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, हम लोगों को दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही, चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नेपाल के विनोद चौधरी ने बनाया है, जो रिच फैमिली है, आई मीन रिचेस्ट पर्सन ऑफ द नेपाल, बहुत पहले हम लोग यहाँ पर गए हैं स्कूल की तरफ से टूर आए थे, जो पुराने दोस्त देख रहे हो कमेंट करो तो दबा, ये चक्रो 10-12 किलो धूल तो हमारे कपड़े में आ गया बॉयज, ये देखो ये देखो पूरा फेस उसमें लग गया है, बानर बन गया हूँ मैं, बाप रे इतना धूल वाला रास्ता है, अभी 10-15 किलोमीटर और बाकी है, यहाँ पर दौड़ने हम लोग पहुँचे हैं चाय पीने के लिए, भाई साहब ये देख रहे हो हालत, बाइक का यही घाटा है भाई, बाइक राइडर लोग ऐसे ही करते हैं, जो जाते हैं सारे धूल धूल हो जाते हैं, अभी मैं मुँह धुलता हूँ चाय पीता हूँ उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हालत देखो पूरा एकदम फेस वॉश पर लग गया, एंड पीछे से व्यू चेक करो कितना प्यारा लग रहा है ये होटल में, यहाँ पर चाय भी पिया जाएगा इसके मजे लेते हुए, थोड़ा मजा आ रहा है भाई, इतना दामी व्यू है, हाय राम, ये हंसी वादिया और ये चाय, बोलो हाय हाय क्या बात है भाई, हाय हाय देखो ये व्यू, हाय कपिल वस्तु चलते हैं भाई, तहलका मचाते हैं भाई, कल शाम को आएगा रिजल्ट, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे पक्का पता है सिलेक्टेड हो जाऊंगा यार, उसके बाद फिर काठमांडू यार, अरे यार सिलेक्टेड हो यार, तेरा भाई ना सिलेक्ट हो वाला ऐसा हो ही नहीं सकता, डिसेंट बॉय द बैंस, चाय पीते हैं भाई व्यू एंजॉय करते हुए, मस्त। ये चक्रो ये क्या है, ये है सेल रोटी, नेपाल का बहुत फेमस फूड और मेरा फेवरेट, अभी चाय पिया हूँ ये खा रहा हूँ तो यार मीठा समझ में नहीं आ रहा है, मीठा मीठा है ना इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, चाय खाएं अब चाय हमें डायरेक्टली तौलिया को लाके गई रसम, मतलब अब डायरेक्ट तौलिया में चल के रोकते हैं भाई, अब ब्लॉगिंग नहीं करूंगा यार बहुत लंबा बन रहा है, ठीक है चलो मैं बंद कर देता हूँ, घर पहुँच के फिर एंड करूंगा, ये देखो चलते हैं पार्रा,
ऑल फिट बॉयज सेफली हम लोग घर पे आ गए थे भगवान की कृपा से और पापा की सेफ ड्राइविंग की वजह से। और उसके बाद आने के बाद मैं रेस्ट वगैरह किया उस दिन। आज तो दूसरा दिन है, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, जब एडिट कर रहा हूँ ब्लॉग तब लास्ट पार्ट बना रहा हूँ। बाकी उसके दूसरे दिन में मेरा नाम निकल गया था भाई रैप बैटल में, आप लोगों को पता है, बहुत बहुत खुशी हुई थी। ये देख लो आप लोग पोस्टर में, आप लोगों को ऐसे स्क्रीन शॉट उस पर लगा दूंगा, स्क्रीन पर मेरा नाम निकल गया था। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से मैं चितवन हिला के आया था और सब कुछ डन हो गया भाई। और हाँ, कपिल वस्तु से पूरा मैं अकेला गया था। और बाकी आगे अब नेक्स्ट राउंड में सिलेक्टेड हो गया हूँ मैं नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड होगा काठमांडू, अभी डेट नहीं आया, जब डेट आएगा तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में ही बताऊँगा। बाकी प्यार मोहब्बत देते रहना यार, मुझे पता है पक्का कि मैं टीवी पे जाऊँगा, मुझे दिख गया है ऑलरेडी फ्यूचर। और बस अपना मोहब्बत देना, बाकी ब्लॉग एंड करता हूँ, आप लोग प्यार मोहब्बत देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, दिल से मोहब्बत, तारा। का सारी माया।